डेविल्स बैकबोन प्लांट्स, और इसे पेडिलेंथस प्लांट भी कहते हैं। तो ये हमारा पेडिलेंथस प्लांट है, जैसे मैंने इसे छांव में लगाया हुआ है, और इसके सुबह में इसकी 2 घंटे की धूप रहेगी फ्रेंड्स, और आप लोग इसे अच्छे से आप लगा सकते हैं, लेकिन इसे कोशिश करें कि छांव में लगाएं। अभी आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम आया हुआ है और इसे गर्मी बहुत पसंद है पेडिलेंथस प्लांट को, और यहाँ पर अभी सर्दी आया हुआ है, तो आप इसे 2 घंटे की सुबह में मॉर्निंग में धूप दीजिए और इसे छांव में रखिए। इसकी पत्ती बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, लेकिन जो फरवरी वाला जो मौसम अभी आने वाला है तो ये पत्ती सब झड़ जाएगी सारी पत्ती, और फिर से नई पत्ती आएगी, और इसके इसकी कटिंग से भी बहुत अच्छे से लग जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसकी कटिंग ली हूँ और इसको मैं यहाँ पे पानी में डालूंगी और मैं सारे अपडेट आपको दिखाऊंगी। इसी पानी में रख के इसका रूट अच्छा से आ जाएगा। इसके एक पत्ती को और मैंने कट करके लगाया है और इसी से आपको रूट आएगा। फिर मैं आपको कुछ दिनों के बाद पूरा अपडेट दूंगी और इसके रूट दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने कहा था कि कुछ दिनों के बाद मैं दिखाऊंगी, जैसा कि ये रूट इसमें आ गया है पानी में रख के। बहुत अच्छे तरीके से पानी में रख के भी रूट आ जाता है, और मैं इसकी कटिंग अगर मिट्टी पे भी लगाऊंगी। ये प्लांट्स बहुत खूबसूरत है, आ सकते हैं, इसकी केयर करें, इसको दिन भर धूप में ना छोड़ दें। इसकी पत्ती धूप में देख रहे हैं किस कलर का, पिंक कलर हल्का हल्का आ गया इसमें, तो इसको अभी इसको गर्मी बहुत पसंद है। सर्दी के टाइम में ये अभी फरवरी आने वाला है तो इसमें और पत्ती वगैरह झड़ जाता है, तो इस पर केयरिंग ज़्यादा है कि आप इसके छांव में ही रखें इसको। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, ये प्लांट्स अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो इसमें आया हुआ है रूट आ गया, मैं इसे इसमें लगा दूंगी ताकि ये फिर से बड़ा हो जाएगा। ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।